Assalamu alaikum students, I hope you are fine. In this video lecture, we will discuss about chapter number 1, that is Fundamentals of Computer. Dear students, if you will carefully listen to this video lecture, you will be able to know how computers have evolved from very simple calculating devices to the modern electronic computing. You will also be able to know about the construction and working of calculating devices used in history. You will be able to know how punch cards were used. You can easily understand the working of difference engine, analytical engine and tabulating machine. It will be very easy for you to understand the features of Mark 1. So, kindly listen to this video lecture very carefully. The first question which arises in our mind is, what is computer? A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. You may already know that you can use a computer to type documents, send email, play games, and browse the web. You can also use it to edit or create spreadsheets, presentations, and even videos. There is another definition that is written in your book that a computer is a general purpose programmable machine. Can anybody answer what is meant by general purpose? जनरल पर्पस का मतलब क्या है? जनरल पर्पस का ऑपोजिट होता है स्पेशल पर्पस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मशीन्स जो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाएं, हम उनको स्पेशल पर्पस मशीन्स कहते हैं. जैसे एटीएम, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि जो आपकी अमाउंट होती है वो बैंक से निकलवाने के लिए, आपके पैसे निकलने के लिए एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है. इसी तरह थर्मामीटर, कैलकुलेटर, इन सबका एक स्पेसिफिक टास्क है. तो ये सब कौन सी मशीन्स हैं? स्पेशल पर्पस. लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आप उस पर गेम्स भी खेल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी एडिट कर रहे हैं, कैलकुलेटर भी उसमें यूज़ कर रहे हैं. तो कंप्यूटर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि मल्टी टास्किंग के लिए यूज़ हो रहा है. तो इसका मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का या जनरल पर्पस मशीन्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसी मशीन्स, ऐसी डिवाइसेस जो एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करें, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करें, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं जनरल पर्पस डिवाइसेस. और आपका कंप्यूटर चूँकि बहुत सारे काम एक साथ परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम कंप्यूटर्स को कहते हैं कि ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं या जनरल पर्पस मशीन्स हैं जो एक वक्त में मल्टी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. The next most important question is how computer works. Computer, a general purpose electronic machine which takes data as an input, process it and provides output as a information. Here are three new terms, that is data, process and output as a information. We will one by one discuss what is meant by data, process and information. The first one is data. It is described in three words, that is raw, फैक्ट एंड फिगर्स. डेटा क्या चीज़ है? कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई वाज़ह मायने ना मिल रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यहाँ लिखा हुआ है नेम, नंबर, क्लास, हामिद. अब ये जर्नल एक नाम लिखे हुए, क्या आपको इससे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही. हामिद कौन है? हामिद क्या करता है? हामिद कोई स्टूडेंट है? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है. तो ये क्या चीज़ है? डेटा है. डेटा हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रही हो, जिससे आपको कोई ख़ास मालूमात हासिल ना हो रही हो, उस चीज़ को हम कहते हैं डेटा. इसी तरह एज लिखा हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिर्फ सिंबल्स लिखे हुए, कौन किससे लेस देन है, कौन किससे ग्रेटर देन है, किसकी एज का जिक्र हो रहा है, किसके टेम्परेचर का जिक्र हो रहा है, ये सब चीज़ें तो आपको नहीं बताई ना. आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही प्रॉपर, तो ये क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा. इसी तरह फिगर्स, कोई भी न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं. तो ये सब क्या हैं? ये सिर्फ एक नंबर्स हैं जिससे आपको पता नहीं चल रहा कि ये 12 है. तो ये 12 क्या है? किसी की एज है, क्लास है, नंबर है, क्या चीज़ है? ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ये हमें. तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं डेटा, यानी कि वो चीज़ जो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं डेटा. द सेकेंड टर्म इज प्रोसेस. Any operation that is performed on data is known as processing or simple process. आप एक CD लेते हो, आप उसे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, क्या वो CD सिंपल अभी आपने इंसर्ट की है? कीबोर्ड या माउस से कोई इंस्ट्रक्शंस आपने नहीं दी हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या वो CD आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है? क्या आपके काम आ रही है वो CD इस वक्त?
नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रॉ डेटा कहलाएगा। अब आपने कीबोर्ड या माउस से उसको कमांड दी है कंप्यूटर को कि वो इसको डाउनलोड करे, तो ये जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है या ये जो डाउनलोडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है सीपीयू, ये क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपने गूगल क्रोम पे लिखते हो www.facebook.com। अब आपने सिर्फ लिख के छोड़ दिया, एंटर की अभी प्रेस नहीं की, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है? क्या ये फेसबुक के बारे में कुछ बता रही है? नहीं बता रही। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया, अब सीपीयू ने, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद आपको फेसबुक का पेज लाके दिखा दिया। तो ये जो इसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं कि फेसबुक के पेज को लाके डिस्प्ले किया है, ये स्टेप क्या कहलाएगा? आपका प्रोसेस कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा इज नाउ कॉल्ड एन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने देखा था डेटा में हामिद अलग लिखा हुआ था, 25 अलग लिखा हुआ था। ये अलग अलग चीज़ें थी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो ये क्या था? हमारा डेटा। लेकिन जब इस पर प्रोसेसिंग हुई, सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया, तो अब हमें पता चला कि हामिद इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि हामिद की एज 25 साल थी। तो अब ये पूरी स्टेटमेंट आपको एक मीनिंग दे रही है। तो इस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर्स की टर्म में आउटपुट कहते हैं। इसी तरह 30 अगर एक नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो क्या है? आपका डेटा। लेकिन जब इस पर प्रोसेसिंग होगी, इस पर काम होगा, इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है टुडे इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसका मतलब अब ये आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि हमारा आउटपुट है। अब आप सीडी की एग्जांपल दोबारा लें, आपने सीडी इंसर्ट की, लेकिन कीबोर्ड या माउस से कुछ भी अभी काम नहीं किया है, तो वो क्या है? डेटा है आपका, यानी कि जिस पे अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही आपने कीबोर्ड से कमांड दी, अपने माउस से कमांड दी, सीपीयू ने अब उस पर प्रोसेसिंग की, वो सीडी से जो कुछ था वो डाउनलोड हुआ, वो आपके कंप्यूटर में सेफ हो गया। अब जब आपने उसको खोला, तो वो आपका कोई डॉक्यूमेंट था, या आपका कोई सॉन्ग था, मूवी थी, गेम था, कुछ भी था, अब आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है चीज़। वो सीडी जो पहले सिर्फ एक हार्डवेयर था, अब वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखा रहा है, वो आपका क्या है? आउटपुट है। इसी तरह फेसबुक की एग्जांपल थी कि जब आपने गूगल पे लिखा www.facebook.com, तो वो सिर्फ एक डाटा था। जब आपने एंटर प्रेस किया, तो कंप्यूटर ने, सीपीयू ने उस पर प्रोसेसिंग की, और फिर आपको फेसबुक का पेज लाकर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो स्क्रीन पे जब डिस्प्ले किया है, तो वो आपको उस फेसबुक वाले जो HTML का जो ऊपर लिखा हुआ रहा था URL, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है? आपका आउटपुट है। इस तरह से हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं कि डेटा क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, आप दोबारा से इस वीडियो को रोक कर तीनों को रिकॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए आपको इसको मज़ीद, आपके सामने एक एग्जांपल है कि इनपुट के तौर पर हमारे पास एक नंबर आया है 2 और 5। क्या ये 2 और 5 आपको कुछ बता रहा है कि ये क्या है? 2 क्या है, 5 क्या है, इसके साथ करना क्या है, कुछ पता है आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, इसका मतलब ये हमारे पास एक डेटा है जो कंप्यूटर के पास आया है। अब आपने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, किसका ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन, यानी कि सीपीयू ने इसको ऐड किया है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि प्रोसेसिंग की है। अब इसने स्क्रीन पे आपको क्या शो किया है? 7। अब 7 आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इन दो नंबर्स का सम 7 है। तो ये एक मीनिंगफुल आंसर है, जो कि इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, यानी कि कंप्यूटर की टर्म्स में हमारा आउटपुट है। इसी तरह हामिद और 25 लिखा हुआ है, ये सेपरेटली आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। इसका मतलब ये सेपरेटली क्या आपको दिखा रहे हैं? कि ये आपके कंप्यूटर का डेटा है, या आपकी किसी भी मशीन का डेटा है। जब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, तो हमें आउटपुट में मिला कि हामिद इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। तो अब ये कोई मीनिंगफुल आपको मतलब बता रहा है, एक वाज़ह मतलब बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो मीनिंगफुल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर की टर्म्स में हमारा आउटपुट है। तो इन तीन स्टेप्स के ज़रिए हमें पता चला कि हमारा कंप्यूटर्स या हमारी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस किस तरीके से काम करती है। एक रॉ डाटा हम उठाती है, उसको प्रोसेस करती है, और उसका एक मीनिंगफुल आंसर डिस्प्ले करती है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस और आउटपुट, इस साइकिल को समझने के लिए एक डेली लाइफ की छोटी सी एग्जांपल है कि एक काऊ है,
ठीक है, वो एक फैक्ट्री में आई है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री में। अब एक काउ क्या है, क्या आप उससे कोई फ़ायदा उठा रहे हो अभी इस वक्त? नहीं, तो वो आपका क्या है, डाटा है। लेकिन जैसे ही उसको ज़िबा किया गया, उसका प्रॉपर गोश्त बनाया गया, तो ये आपने उसके ऊपर क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अब आपने उसको क्या काम किया, एक आउटपुट की फॉर्म में, यानी कि आप उसने उसको ईटेबल आइटम में कन्वर्ट कर दिया, बर्गर बना दिया या कोई और खाने की चीज़ बना ली। तो अब उस जो आइटम था गाय, उसका एक प्रॉपर हमें मीनिंगफुल आउटपुट मिल रहा है बर्गर की फॉर्म में, जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह जूस बनाते हो आप लोग, तो आपके पास एप्पल्स मौजूद हैं, वो रॉ एप्पल्स हैं, ठीक है, वो आपको एज मीनिंग नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहे हैं। खा तो सकते हो आप उसको, लेकिन वो भी एक प्रोसेसिंग ही है ना। आपके सामने सेब पड़े हुए, आपने उनको उठा के जूसर में डाला, तो सेब क्या थे, आपका रॉ डाटा था। आपने उसको जूसर जग में डाला, जूसर जग ने उसको ग्राइंड किया, तो वो ग्राइंडिंग क्या है, वो आपका प्रोसेस हो रहा है। फिर फाइनल आउटकम में आपके ग्लास में एक शरबत या एक मिल्क शेक आ रहा है, तो वो आपकी फ़ाइनल क्या चीज़ है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, डेटा इज गिवन टू कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड कैमरा। द CPU परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन दिस डेटा। द थ्री यूनिट्स ऑफ CPU परफॉर्म्स देयर ओन फंक्शन टू प्रोसेस ऑन दिस डेटा लाइक ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट and registers. Then this data is sent to the storage devices or memory like RAM and ROM for permanent and temporary storage. After that, this data is displayed or retrieved through output devices like monitor, speaker or printer. This is the main input process output cycle, and this is the most important topic for concept building as well as from exam point of view. Up till now, we have discussed what is computer and how it works. Now we are going to discuss evolution of computer. What is meant by evolution? Evolution means improvement in computer technology from dark age to middle age and to modern age. Because the computers that we are using in our homes and offices are not the first forms of computer. They have evolved over so many years to exist in the present form. The first phase was mechanical age or the dark age. In the mechanical age, all the computers uses manpower, no electricity was used, their processing was slow and they perform only specific tasks. The second phase was electromechanical machines. In this age, electricity was involved and their processing speed was fast as compared to previous computers. And the last and the present age is digital electronics machine. These are the latest machines that we are using nowadays. The journey of computing devices start when the people need to count objects. Originally, calculations were computed by humans, whose job title was computers. These human computers were typically engaged in the calculation of a mathematical expression. The calculations of this period were specialized and expensive, requiring years of training in mathematics. The first use of the word computer was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculations or computations, and the word continued to be used in that sense until the middle of 20th century. Earlier, people used tally sticks to record and document numbers, quantities, or even messages. The first machine generally used for counting was abacus. It was developed between 2400 BC to 3000 BC by Chinese. It performs basic arithmetic operations like addition and subtraction. It consists of a wooden frame having parallel rods. These rods had a number of wooden beads which could slide freely along the length of rods. While performing calculations, beads were moved up and down with fingers. Abacus was used to perform addition, subtraction, multiplication, and division. Abacus is still seen at some toy shops made of plastic and wood for small children. In 1614, Scottish mathematician John Napier invented a calculating device called Napier's Bone. It was the first machine able to perform all arithmetic operations like multiplication, division, taking a square root, etc. This is Napier's table. It was used to perform different calculations. Let's take an example how Napier's bone was used to perform.
For example, we want to multiply 34 with 8. First of all, ignore all the columns and rows. Just focus on 3 and 4 column and 8th row. Then the highlighted column, first of all, write 2 as it is. Then we perform diagonal operation, that is, we add 4 and 3, that becomes 7. And then write 2 as it is. So it will become 272, that is the exact answer of 34 into 2. That is, if we multiply 34 with 8, we will get 272 with the help of Napier Bone. Another achievement of John Napier was the invention of logarithm, that became the base of another calculating device. Based on the idea of logarithm, another device known as slide rule was invented in 1920s. It performs multiplication, division, roots, logarithm, trigonometry, and many more arithmetic operations. This device was later transformed into pocket calculators that we are using nowadays. Blaise Pascal, at the age of 19, invented a device called Pascaline in 1642. It was the first electromechanical machine. Pascaline used rotating wheels. Each wheel had 10 parts having digits from 0 to 9. Calculations were performed by the rotation of wheels. When one wheel completes a rotation, the next wheel moves by one digit. It had a number of small slots for displaying the result. It could perform addition and subtraction on whole numbers. अब तक आप लोगों ने जो लेक्चर सुना है उसमें आपने दो न्यू टर्म्स सुनी है, दैट इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें फिजिकल पावर लग रही हो, जो फिजिकल फोर्स की वजह से चल रही हो, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें कोई फिजिकल फोर्स ना लग रही हो बल्कि वो ऑपरेट हो रही हो इलेक्ट्रिसिटी से. तो तमाम डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से रन हो, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. और हर वो डिवाइस जिसके ऊपर फिजिकल फोर्स लग रही हो वो कहलाती हैं मैकेनिकल डिवाइसेस. तो अब तक के लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज करें और एक दफ़ा रिकॉल करें कि अब तक जो आपने डिवाइसेस पढ़ी हैं उनमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, और कौन सी ऐसी डिवाइस है अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चल रही है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह रहे हैं. In 1822, Charles Babbage of Cambridge University invented a device called difference engine, which were of room size. But unfortunately, he could not complete it, but he laid down the foundation of modern computers. In modern computers, we can store data, we can retrieve data, and perform fast calculations that was not possible in the previous devices. In 1833, he developed another device called analytical engine, but unfortunately he could not complete this device also due to lack of resources. But he laid down the foundation of modern computers, therefore he is also known as the father of modern digital computers. In 1890, Hermann Hollerith developed a tabulating machine known as Hollerith Desk. Hollerith Desk kya tha? इसकी स्टोरी पीछे ये है कि अमेरिकन सेंसस जब हुए थे, यानी कि जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं, तो अमेरिका में जब मर्दमशुमारी हुई तो उसको काउंट करने के लिए लोग या उस वक्त के जो लोग थे वो सिंपल अपने हाथों से या जिस तरह पेपर वर्क के ज़रिए उसको कैलकुलेट कर रहे थे. अब जाहिर है एक मुल्क में अगर करोड़ों की तादाद में आबादी है, आप उसको सिंपली पेज के ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो उस वक्त भी यही मसला हुआ कि काफ़ी मंथ्स लग रहे थे उसको कैलकुलेट करने में कि कितनी आबादी है या कितने स्कूल्स हैं या ये सब जितनी भी चीज़ें सेंसस में काउंट की जाती हैं. अब जब तक जितने मंथ्स लगाकर वो लोग कैलकुलेट करते उस वक्त तक आबादी फिर चेंज हो चुकी होती, फिर दोबारा से कैलकुलेशन होती, और जब तक हम उसको पेपर वर्क के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे होते तब तक फिर से अमेरिका की आबादी चेंज हो चुकी होती. तो हर्मन हॉलरिथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए कि उन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई जिसके अंदर पंच कार्ड्स यूज़ होते थे. इनके ऊपर होल्स बने हुए होते थे जिसको मशीन रीड करती थी और बताती थी और उसके ज़रिए काउंटिंग हो जाती थी. तो ये जो उस वक्त अमेरिकन सेंसस का प्रोसेस था इस मशीन के ज़रिए जल्दी परफॉर्म हो गया, यानी कि उस वक्त की जो टैबुलेशन थी इस डिवाइस के ज़रिए जल्दी परफॉर्म हो गई, और वो जो मैन्युअली सब कैलकुलेट कर रहे थे उसका काम इस मशीन ने आसान बना दिया, यानी कि पंच कार्ड्स के ऊपर जो होल्स थे उनको रीड करके जो मैनुअल वर्क था उसको ईजी कर दिया ह्यूमन्स के लिए. The next successful computing machine invented was a digital computer known as Mark I. It was invented by Howard Eagan in 1944.
Mark 1 could add 3 numbers having 8 digits in 1 second. It could print out its results on punch cards or on an electric typewriter. Mark 1 was 50 feet long and 8 feet high and weighed about 5 tons. It used 3,000 electric switches. Moreover, Mark 2, Mark 3 and Mark 4 were also built under the supervision of Howard Aiken with extended capabilities. ये तो थी अब तक के कंप्यूटर्स जो हमने पढ़े कि किस तरह से इवॉल्व हुए. अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो ये मार्क वन की फर्दर एक्सटेंशंस ही यूज़ हो रही हैं. जो नए कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहे हैं उसमें से एक है HPC, दैट इज़ नोन एज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है या पैरेलल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं आपने आज से पहले नहीं सुना होगा. फ़र्ज़ करें आप एक लाइन में लगे हुए हैं, आपने एक चीज़ यानी कि आप 5 स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुए हैं कैंटीन पे, जब एक स्टूडेंट चीज़ ख़रीद लेगा तभी वो दूसरा स्टूडेंट जाके अपनी चीज़ ख़रीदेगा. इसको कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग यानी कि वन बाय वन. कंप्यूटर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो फ़र्ज़ करें आपने गेम चलाया हुआ है, जब तक गेम को आप बंद करके ख़त्म नहीं कर दोगे तब तक आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं होता ना आजकल के कंप्यूटर्स में, आप एट अ टाइम सर्चिंग भी कर रहे हो, एक टैब पे आपका जो है गेम भी चल रहा है, साथ में आपको आपने फ़ौरन उसको मिनिमाइज़ किया, साथ में कोई सॉन्ग प्ले कर दिया, तो एट अ टाइम कई काम हो रहे हैं. तो ये जो एट अ टाइम कई टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे आजकल के कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, जैसे पहले आप लोग चीज़ें अपने हार्डवेयर यानी कि अपने कंप्यूटर या मोबाइल्स के अंदर सेफ रखते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आपकी चीज़ें वो एक इंटरनेट की दुनिया में सेव कर रहा है. अब इंटरनेट की दुनिया आपको फिजिकली नज़र तो नहीं आ रही है, इसलिए उसके लिए हमने क्लाउड यानी कि एक बादल का नाम दिया है. यानी कि आपका जितना डाटा है अब वो आपके फिज़िकल किसी डिवाइस में सेफ नहीं हो रहा बल्कि वो इंटरनेट पे कहीं सेफ हो रहा है. इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. जैसे कि आप लोग अक्सर अपनी जो डाटा होता है वो कहीं गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे होते हो, ड्रॉप बॉक्स में सेव कर रहे होते हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो आपके मोबाइल के अंदर नहीं सेफ हो रहा, आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खर्च हो रही, आपका मोबाइल हैवी नहीं हो रहा, उसकी स्टोरेज कम नहीं हो रही, हैंग नहीं हो रहा, लेकिन वो सब सेफ भी है. तो वो कहाँ सेफ है, वो इंटरनेट पर सेफ है. इस टेक्नोलॉजी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है. हम मज़ीद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए और जब हम आगे खुद से कुछ कंप्यूटर्स में बेहतरी लाने की कोशिश करें तो हमें पता हो कि कौन सी चीज़ मज़ीद एडवांस हो सकती है ताकि हम इन कंप्यूटर्स में मज़ीद एडवांसमेंट लेकर आएँ. Now your task is to solve this worksheet on separate answer sheet or computer papers and send pictures via WhatsApp. Here sheet that is the fill in the blanks and you have given the words that is to be filled in the blanks. You just have to focus on the lecture and then you can easily fill these blanks. First of all, you have to solve these on separate answer sheets and not on your notebooks. Then you will send the pictures to me. I hope you will understand today's topic. And please take care of yourselves and your family and remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.